अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आई होप कि सब लोग जो है वो हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। वैसे बाय द वे हमारे व्यूज बढ़ने शुरू हो गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ आर्टिस्टिक स्टाइल हमने वीडियोस बनाई तो आपको मजा भी आ रहा है। तो आज फिर हम निकल पड़े, जुम्मे का दिन है, मजा आ रहा है। गर्मी बहुत शदीद है एज ऑलवेज, लेकिन मौसम अब चेंज होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि सर्दी की तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए। रातें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है, वैसी गर्मी नहीं रही है। तो भाई हम अपनी पतंगबाजी में निकल चुके हैं, पीछे पतंगे हमारी एज यूजुअल पड़ी हुई है, और अब वहाँ जाएंगे तो दिखाएंगे। आज जो है वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि भाई पेचे काट। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि मैंने एक नई डोर मंगा ली है, और अब वो नई डोर क्या कमाल करती है वो तो अब उड़ाने के बाद और पेचा लगाने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मैं पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत कटवा रहा हूँ, 10-10 पेचे होते हैं भाई, और मुश्किल से 2 पेचे काट पाता हूँ। और ये 2 पेचे तो खैर बस मतलब समझ रहे हो ना तुम, मतलब हाँ ठीक है, समझ रहे हो आप काट लिए। लेकिन जो 8 कटते हैं ना भाई, उसमें बड़ी जलालत होती है, तो जलील बहुत हो रहे हैं। से प्यार पे बात करते हैं हमको। लेकिन पिछले वीलॉग में मैंने आपसे कहा था कि किस किस ने अपने घर पे पतंगबाजी पे मार खाई है, मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो काइंडली आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ लिखें कि आपको पतंगबाजी पे कितनी डांट पड़ी है और कितनी दवा आपने मार भी खाई है। मैंने तो बहुत खाई है, वो आप पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं, जो हमने एक मीम डाला था कि उसमें ताड़ 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 बिल्कुल ऐसे ही पिटे है भाई। पतंगे भी जल गई, डोर भी जला दी गई, लेकिन फिर भी इतने ढीठ है कि दोबारा अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन अब फिर से हम चल पड़े हैं अपने रास्ते की तरफ, और हम फिर से स्टार्ट कर चुके हैं पतंगबाजी। लेकिन अब हमें ना तो मार पड़ती है ना डांट पड़ती है, बल्कि अम्मा अब्बा खुश हो रहे हैं कि बेटा पतंग उड़ाने जा रहा है। क्यों असद भाई? आज असद भाई भी वापिस आ गए हमारे साथ, माशाल्लाह। तो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, तो असद भाई आ गए और अब हम वीडियो बनाएंगे माशाल्लाह। असद भाई जो है वो बिजी है एग्जाम में, जिस दिन इनका एग्जाम होगा उस दिन ये नहीं आ सकेंगे। तो भाई ताजा तरीन अपडेट ये है कि हवा बहुत तेज है और पतंगे फट रही है गाड़ी से निकालते ही साथ, और ये हमने नई पतंग निकाल दी आज, उड़ा के देखते हैं कैसी उड़ती है। और उमर भाई अपनी नई डोर का तो इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। शाहीन 5 18 नंबर, चेक करते हैं इसको क्या पता चला। चले जी जी, आज तो भाई चरखी स्टैंड भी निकल आया गाड़ी से, लेकिन इस पर रुकेगा नहीं क्योंकि हवा तेज है, ये भारी है, और हमें जो है पहले तो बांधनी है सबसे पहले। मतलब गाइस मजदूरी आज भी मैं नहीं करनी है सर, ये मजदूरी नहीं है सर, ये मोहब्बत है। आप सीख रहे हैं जिंदगी में एक ऐसा काम सीख रहे हैं जो आपने कभी नहीं किया। चले जी रेडी रेडी करते हैं इसको, हवा में उड़ाते हैं, फिर मिलते हैं। What a start! चले में भाई। बस दूसरी तरफ से ही पकड़नी पड़ेगी, ऐसे टीम में आ। चलें पकड़ें। एंटी को उसको उनको पकड़ाएं अभी, ऐसे कोई मसला नहीं है। चले नहीं नहीं छह छोड़ेगी। मेरा स्टैंड लगाया मेरे पास पावर वाले भाई, वाले उधर लगाए बजनी नहीं है ये ग्राम है, दोबारा मारनी है जरा ये पता नहीं। नहीं नहीं अभी कहाँ बंद है, अभी तो छोड़िए, कल आएगी, कल कल आएगी, कल सही है जरा, इतना टोटा सही है। नहीं नहीं लगाओ तो थोड़ा सा, क्या हो गया भाई, चलो काफी है। उनके मुंह अगले पानी बन जा रहा है।
कनपोच कहाँ है? हाँ जी भाई, पीछे की बारी आ गई पहले। और भाई टूर का कमाल। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। अब रख रख ये ले। इतनी खुशी दोबारा बारी आ गई उमर भाई की। उमर भाई अगलों के घर में घुस गए। अब 45 का एंगल बनाना आपने, जब ऊपर से मारनी है ना आसमान और जमीन का 45 का एंगल होना चाहिए। बहन उतो ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उतो ला रहे हैं। आवाज आई है तुझे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया यार। दो कामयाब पेचों के बाद तीसरा शुरू। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उठ गई, उठ गई, उठ गई। उठाइए बिल्डिंग के ऊपर लंबी गई भाई वो। चलो भाई चलो ब्रदर। नई पतंग आ गई मार्केट में। भाई आ जाए, क्या पकड़ना है? डोर लग गया पेचा? नहीं नहीं, ऊपर है ना उनकी। हाँ
कट गई कट गई कट गई कट गई, काट दी गई। अरे यार ये क्या है यार, अरे भैंस ये कोई पेचा है? और ये थोड़ी पेचा होता है, बिल्कुल छोड़ दी पता हूँ। दोनों की कट गई भाई। अभी भी इधर आके क्यों लगा रहा हूँ मैं, हाथ और आधा लगाते नया टोटा जीरो मीटर। ये क्या हुआ है? टूट गई भाई। टूटी हुई की वीडियो थोड़ी होती है, बनी है। हाँ बनी है, बनी है, जो काटी है वो भी बनी है, याद रखना। फिर दो दो बराबर है। अच्छा बेचे के दौरान में अगर आप टूट भी जाए ना, ये व्हाइट नजर ही नहीं आती आसमान में जाके घूम जाती। ओए यार ये कैसे घटी है यार, चोली के पीछे ये तो रोने की आवाज आ रही है मुझे। ये चीखे कहां कहां से निकली है शुरू से अब तक, ये रोने की आवाज आ रही है बकायदा। कोई शिद्दत से रो रहा है। म्यूजिक क्या बता रहे तुम भाई, क्या ये बिल्कुल नहीं भाई, शाबाश। अब देखते हैं कि कैसी होती है भाई। हमारे व्यूअर्स को भी कंप्लेन है कि हम जो है वो पुरानी पतंगें उड़ा रहे हैं भाई। अभी जाके अभी नई पतंगें दो पूरी आधी से ज़्यादा फट गई हैं, तो उसमें भी ख्याल करना पड़ता है। खैर अभी ना नई पतंग उड़ाने लगे, देखते हैं कैसी होती है। चाहिए मुझे थोड़ी सी। जल्दी 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 भाई, राइट हो रहे हैं लेफ्ट। वहाँ आपकी
फटाफट से। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। चले भाई आखिरी हथियार निकाल लिया। हाँ भाई हवा खत्म हो चुकी है। क्या बात है यार, वो देखे सामने डेजर्ट सफारी की गाड़ी आ रही है। क्या बात है यार, जबरदस्त। व्यूअर्स को हम दो दो मजे दे रहे हैं भाई, डेजर्ट सफारी के भी और पतंग के भी। एक टिकट में दो मजे हो रहे हैं यार। यार मून भाई से लगाओ पतंग, बहुत हो गई कसम से। चले यार पीछे पे मिलते हैं। हाय 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 यार, ये ना कहीं गलत गलत टेक्निक लग रही है। सर बनी, आपकी भी बनी है। ओ कैसर भाई हाथ हिलाना, कैसर भाई हाथ हिलाना। चोरी के पीछे का